पहचान वुमेन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी के ट्रोमा सेंटर और इमरजेंसी वार्ड में फल वितरित कर वेलफेयर द्वारा अपनी स्थापना दिवस को मनाया गया। इस अवसर पर पहचान वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्षा बिंदु जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी सोसाइटी पिछले 10 वर्षों से निःशुल्क भोजन की सेवा दे रही है, जहां अपनी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आईजीएमसी अस्पताल में आज जरूरतमंद लोगों के साथ अपनी स्थापना दिवस को वे मना रहे हैं। एक्चुअली हम लोग के यहाँ पे खिचड़ी प्रोवाइड कराने के, या मैं कहूँ कि फ्री फूड सर्विस हम पिछले 10 साल से प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पे आईजीएमसी के ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी वार्ड में, और इसी उपलक्ष्य में आज हमारा फाउंडेशन डे है और इसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर राव को यहाँ पे आना था, किन्हीं वजह से वो नहीं आ पाए, तो उनकी एब्सेंस में हमें ये करना पड़ रहा है। वैसे तो अनऑफिशियली तो हम लोग पिछले 12-13 साल से काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डी एडिक्शन प्रोग्राम चलाते हैं। बींग साइकोथेरेपिस्ट मैं सेमिनार्स लगाती हूँ, और भी एसटीडी पे भी हम लोग काम करते हैं, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर स्पेशली, और यूटीज पे काम करते हैं। और साथ में 10 साल से हम लोग यहाँ फ्री फूड सर्विस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो 2 समय यहाँ खाना प्रोवाइड करती है। एक समय पे खिचड़ी आती है और एक समय शाम के समय दाल और चावल आते हैं। हालांकि कोरोना के बाद थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो गए थे, बट फिर वापस ईश्वर की कृपा से ये दोबारा शुरू हो पाया है। आज का जो हमारा फूड डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम है वो इमरजेंसी वार्ड में, ट्रॉमा सेंटर में और पेडियाट्रिक या चिल्ड्रन वार्ड में होगा सर।